बड़ा मुश्किल से भैया पढ़ाई लिखाई होता है हो। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। मतलब चक्रवाती पढ़ाई पढ़ा जाता है, तूफान उफान आ रहा है ना। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। वाह। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। अच्छा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। अरे पढ़वा के लंगड़ी, सुबह पहर तू पकड़ पकड़ पढ़ रहा है, रात में 11 बजे तक पढ़ा है, सुबह 5 बजे से पढ़ रहा है, न तोरा दिमाग उमाग काम करता है कि सारा सगरो पटना तू ही पढ़ जाएगा का रे? दिमाग काम कर रहा है बुआ, तभी तो पढ़ाई हो रहा है। सब्जी तक काट रहा है से तुम ठीक कर रहा है। चलो ठीक है, सब काम तुम नहीं करना, सब्जी काट लेना, चावल बना लेना, दाल बना लेना। माने सब्जी हम ही काट लेंगे, चावल हम ही बना लेंगे, दाल हम ही बना लेंगे। रूम में झाड़ू लगा लेना, ठीक है, उसके बाद जो बचेगा सब काम हम कर देंगे, ठीक है ना। ओकरा बाद बचेगा घंटा है ला, तुम हमेशा खाली सुतले रहते हो। अरे सुतने तुम देता कहाँ है, कैसे तुम्हारे साथ हमको पार्टनरी होगा से हमको समझ में नहीं आ रहा तो है। बांट ले, सुबह में खाना हम बनाएंगे और शाम में तू बनाएगा। ठीक है वो हो जाएगा, लेकिन अभी हमको नींद तो तुम पढ़ाई कर रहा था टूट गया। मैं ठन ठन गोपाल, और उसके बाद सपना में रूम मालिक हमको भी बहुत गरिया रहा था कि रूम रेंट नहीं देता है, रूम रेंट नहीं देता है। नहीं दिया है तुम रूम रेंट? रूम रेंट ले गरिया रहा था कि कोई और बात के लिए गरिया ना, रूम रेंट के लिए गरिया रहा था। पैसा तुम जमा कर लाता है ना, पैसा जमा कर, रूम रेंट जमा करना है रूम मालिक को, अभी गरिया रहा था। ये महीना के देने दे भाई, तू ही ये महीना के दे दो, अगला महीना माइनस करेंगे। हम सरकार हैं ऐसे सबको दे ले चले रूम रेंट, हमको बचबे नहीं करता है इधर रिचार्ज करवाने से, उधर गिफ्ट देने से, खर्चा करने से बचबे नहीं करता, हम कहाँ से देंगे पैसा? आलतू फालतू खर्चा करते हो तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए आलतू फालतू खर्चा है। फिर मेरा भी एगो दोस्त आ रहा है, जाना है हमको पार्टी करने, हम पैसा कहाँ से देंगे? तुम्हारा रूम रेंट कहाँ से देगा, नहीं देगा तुम जानो। ए भाई कभी कभी माइनेज कैल कर, दोसे न हती हो तोहर। अरे दोस्त है तो क्या करें हम, बताओ दोस्त है तो हम कूद जाए ऊपर से दो तला पर से कूदे तो हम नहीं कह रहे हैं। तो फिर तुम ना जानेगा कहाँ से पैसा देगा नहीं देगा, जाओ ईंटा ढो, पैसा नहीं है तो ईंटा अब पढ़ लिख के ईंटा ढोते ही हमारा से न ढोएगा तो कहाँ से रूम रेंट देगा बताओ। तुम्हारा बाप किसान है, घर से पैसा भेजने नहीं करता टाइम से, तो क्या करेगा तुम? बात करते हैं बाबू रे, बात करते हैं घरे। हाँ तो पैसा मिल जाना चाहिए आज, समझा, देना है रूम मालिक को हमको। ठीक ठीक है। आज सुबह पढ़ाई लिखाई नहीं करना, करना तो उधर जाके करना छत पर, ठीक है। सोने सुबह पर छत पर पढ़ाई लिखाई। हाँ सोने दो हमको, तुम तो अपना कान में एयरफोन लगा लो। फिर कान में हेडफोन लगा लो, जाके उधर पढ़ो, कह ला हम हेडफोन लगाएंगे। अब मैथ पढ़ो, मैथ पढ़ो चाहे तुम कुछ पढ़ो, डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? बताते वो सवाल तू ही, सवाल जवाब मत करो हमसे, हम पढ़ने जाते हैं हमारे टीचर हमारे से सवाल जवाब करते हैं, इतने नहीं है। ठीक है तो ठीक सुतो, शाम के खाना ना बनाबो हम अब। सांझ से खाना तू बनैया ही, समझ ली, एक टाइम बनबो एक टाइम ना बनबो। ए फोन पर बतिया से नहीं काम चलता हूँ, समझ ली, दोनों टाइम बनाना पड़ेगा तुमको। काहे काहे? एक तो कुछ तुमसे होता नहीं है, एक टाइम खाना तुम बनाएगा बताओ। तुम्हारा किचन में है क्या बताओ? गैस चूल्हा मेरा, सिलेंडर मेरा, बर्तन मेरा, कुकर मेरा, बा बताओ तुम्हारा है क्या? आग ले औकाद पर ना, हम सब दिन औकादे पर रहते हैं, तुम भूल जाता है कि तुम्हारा औकाद क्या है। मैंने एकदम हम औकादे में रहते हैं, धमकी देने लगा ना। धमकी देने की क्या बात है, तुमसे 2000 रुपया का व्यवस्था नहीं होता है रूम रेंट में, कुछ है तुम क्या लेके आया है बताओ रूम में? रूम रेंट के लिए हम बात, एक काम करो ना तनी फोन पर बात करा ना तनी। कहाँ बात करना है तुम? अरे घरे बात करना, पैसा नहीं है मोबाइल में। अरे पैसे ले बात करना है, पैसा मंगाने के लिए पैसे ले बात करना है। हाँ पापा कर... ना बोल रहा है। नहीं रे पापा जी को फोन करेंगे।
फोन लगा ना। बात ठीक है, रुको, देखो फोन लगाने तुमको नहीं आता है। हाँ बात कर। हाँ हेलो, हाँ छोटका, अरे पापा के बोलो ना पैसा काहे नहीं भेज रहे हैं। अरे रूम रेंट देवे के है, ऐसे थोड़े काम चलते, यहाँ मकान मालिक जानते हो कितना परेशान करता है। 3 तारीख होते 2 दिन देता है, महीना लगेगा 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम देता है, उसके बाद नहीं देता है। शहर में पढ़ाई लिखाई इसे थोड़े ना, कथी कहाँ कौन काम कर ले। हाँ हाँ हमको याद है, बोले थे तुमको कि ट्यूशन पढ़ा लेंगे, कोई काम कर लेंगे, तो यहाँ भी कौन काम करे बताओ। ईटा उठावे वाला भी काम होगा हमरा से बताओ, वहाँ लेबर मजदूर सब टाइप के आदमी रहता है, उसमें हम कैसे रहेंगे। हम सब दिन पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहे हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, और कोई देख लेगा तब क्या सोचेगा बताओ। सब फसल बर्बाद हो गया इस बार, तब कैसे करें से बताओ। मकान मालिक को कहेंगे कि बाबूजी का सारा फसल बर्बाद हो गया, उसे वो मानेगा ना यार। अच्छा ठीक है तुम ठीक, अच्छा तो बाबूजी को मत बोलना ठीक है कि हम पैसा के लिए फोन किए थे। हम जानते हैं कि घर चलाना बहुत मुश्किल भेल है। ठीक, कैसे गांव में रह के कैसे पढ़ाई हो जाएगा बताओ। जो चीज़ हम पढ़ना चाहते गांव में कहाँ से हम कर लेते, शहर आना ही पड़ता हमको। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं कुछ किसी तरह। ठीक ठीक है, रखो तुम अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना ठीक ना। आ गाय बच्चा दी रहे कि नहीं अभी ना। अच्छा ठीक, गाय बच्चा देगी तो हमको फोन करना, हम भी आएंगे घरे फिर सा खाने के लिए। हाँ अकेले मत खा जाना, फोन कर देना, हमारी जो है पार्टनर ना एक मोबाइल पर करना ना। हाँ इसी नंबर पर। हाँ ठीक ठीक ले भाई। कॉलो तक काटो, वो कॉलो काटने नहीं आता, फोन पर बात करने के लिए बेचैन हो जाता है। ठीक है खाना लेके आ जाओ, रूम में हम है ठीक है ना। खाना बनाएंगे तब ना। खाना सुबह से नहीं बनाना, बोलता है कि सुबह में हम बनाएंगे शाम में तुम बनाना, अभी बज रहा है 9, तुम नहीं पढ़ता तो खाना टाइम पर बनता कि नहीं बनता। यार तुम बड़ा लेकिन किचकिच करते रहते हो। किचकिच कैसे करना है, कैसे करना है। 1 घंटा कम पढ़ता सुबह में, तुम नहीं पढ़ता तो खाना बन जाता कि नहीं बन जाता। पढ़ना जरूरी है तुमको कि पहले खाना जरूरी है, शरीर पर रहबे नहीं करेगा तो पढ़ के क्या करेगा। हम यहाँ खाना बनाने नहीं आए हैं, हम यहाँ पढ़े आए हैं। तो खाली पढ़ने से हो जाएगा, नहीं खाएगा तो और सुनो हो जाएगा। तुम्हारा रूम रेंट हम दिया करेंगे टाइम से, लेकिन बाबू खाना बनाने में हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे एनी टाइम। सुन लो, 1 टाइम तू खाना बनाओ, हाँ देंगे 2000 ठीक है ना। ठीक। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? भारत में सिविल सेवाओं का क्या लिखा है, भारत में सिविल सेवाओं का सुतपात्र किसे कहा जाता है? लॉर्ड को ना। अलीगढ़ आंदोलन तो चलाया था, अलीगढ़ आंदोलन सैयद मोहम्मद खान। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? 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 सैयद मोहम्मद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सैयद मोहम्मद खान। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सैयद मोहम्मद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सैयद मोहम्मद खान। अलीगढ़ आंदोलन सैयद मोहम्मद खान। अलीगढ़ आंदोलन सैयद मोहम्मद खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक
पूरा 50 बार जाएंगे तो 50 क्वेश्चन तो याद हुए ना जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि गरीब का बेटा अभाव में पढ़ाई नहीं कर सकता है तो ये आपकी भूल है। पढ़ाई गरीबे के बेटा करता है, क्योंकि उसके पास ना कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। और जिंदगी में जीतने के लिए ना कई मार्ग होना जरूरी नहीं है। विकल्प जब होंगे तो आप भटक जाएंगे, विकल्प होना जरूरी नहीं है। अभाव में ही पढ़ाई होता है, और क्योंकि जब अभाव में पढ़ाई होता है ना तो वो रियल पढ़ाई होता है। तो जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे ये बात अब बताने की कोई जरूरत नहीं है कि ये चीज देखकर आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई किसी टाइम कभी भी कहीं भी हो सकता है ना। तो चलिए, और हम उम्मीद करेंगे कि आपके अंदर ये वीडियो जरूर हौसला भरा होगा और आप जरूर मेहनत करेंगे आज से। और जिनके पास सुविधाएं हैं वो तो और मजे से पढ़ाई करें भाई। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप उसे लगाइए। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई ही एकमात्र आपके लिए हथियार है तो पढ़ाई कीजिए, और पढ़ाई जरूरी भी है। इतना समझ में जिस दिन आ जाएगा कि शिक्षा कौन सी चीजें हैं, क्या चीजें हैं, तो आपको फिर कभी परेशानी नहीं होगा। चलिए, मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।